पिछली वीडियो में जब हमने कहा था कि कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं बाहर के लिए, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये कलर आप लगा के देखिए किस तरह लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे काम के लिए जो ये बिल्डिंग है इसमें हमारी मर्ज़ी का काम होने वाला है, तो यहाँ पे वही जो नंबर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा और बाहर की तरफ लगा के दिखाऊँगा, और साथ ही साथ अंदर के लिए भी वही कलर जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो वीडियो में बताया था वही नंबर के साथ साथ अंदर दो ही कलर में मैं पूरा घर के अंदर कलर लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले दिखाते हैं कि इसमें हमें का काम करना है। तो पहले स्टार्टिंग में एक आर्च आ रही है जिसमें हमें कलर दो ही कलर में लगाना है, एक था जो लाइट पिंक के साथ डार्क पिंक लगाना है और लाइट ब्लू के साथ डार्क ब्लू लगाना है। जो फूलों के लिए बसता है बस तीन कलर में अप्लाई करना है, क्योंकि वो कॉर्नर में जो पट्टी होती है उसको कॉपी कलर देना है, उसी के साथ में आने वाला कलर ये फूलों पे साइड में हम कॉपी कलर दे सकते हैं, अंदर के लिए पिंक कलर दे सकते हैं। साथ ही साथ जो ये शोकेस दिख रहे हैं इसके अंदर हमें पिंक कलर देना है, और यहाँ पे जो दीवारें हैं तीन दीवारों पे सिर्फ एक ही कलर आएगा, वो कलर है लाइट कलर, क्योंकि उसमें लाइट कलर पिंक होगा। एक वाल पे जो फ्रंट वाल पे रहती है उस वाल पे जो डार्क पिंक होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे पूजा रूम भी देख लीजिएगा, इसमें हम स्पेशली लाइट कलर जो है सीलिंग पे देंगे, साइड में कॉपी कलर देंगे, और फूल के लिए हमें देना है रेड। और इसी के साथ अभी चलते हैं दूसरी रूम पे, वैसे तो दूसरी रूम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिलहाल हम जो यहाँ पे शोकेस के साइड में जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे टेप लगा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम फिनिश हो गया है। और उसी साथ लगाने के बाद जब हमने तीन दीवारों पर लाइट कलर लगा के जब फर्स्ट कोट अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल, इसके बाद हमें डबल कोट करेंगे और फाइनली में कुछ ऐसा होगा वो हम नज़ारा दिखाएंगे। साथ ही साथ जो बाहर के लिए है वो भी हमने दिखाएंगे। ये वही कलर है जो पिछले जो मैंने वीडियो में बताया था कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है, वही कलर के साथ वही नंबर लिए हैं, और साइड में हमने लाइट कलर लगा के उसके साथ डार्क कलर अप्लाई किए हैं। सिर्फ दो ही कलर में हमने ये घर की कंप्लीट पूरी काम कर चुके हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जब काम ख़त्म हो गया, देखिए बाहर के लिए जो एक सीलिंग था उसके साथ कॉपी कलर और पिंक कलर के साथ अप्लाई किया है, साथ ही साथ जब अंदर हम जाएंगे तो ये देख सकते हैं लाइट कलर, और उसके साथ साथ हमने कॉपी कलर और पिंक कलर और ब्लू कलर, ये तीन ही कलर पर हमने ये आर्च को भी सजा दिया है। बस सीलिंग पर वाइट आ गया है, और यहाँ पर देखिए ये फूल में जो है हमने ब्लू कलर दे के कॉपी कलर दिया है, लाइट पिंक के साथ डार्क पिंक मैच किया है, जिस जगह पे लाइट कलर वॉल पे है उसके अंदर हमने शोकेस पे डार्क पिंक दे दिया है। और अंदर की तरफ चलते हैं, ये पूजा रूम में हमने कहा था यहाँ पे लाइट कलर और तीन दीवारों पे होगी, फ्रंट की वॉल यानी कि सामने की दीवार वो होगी रेड पिंक, उसी के साथ फूल भी इसी तरह से बना लिया है। पूजा रूम देखते हैं और इसके बाद हम बाहर चलेंगे, बाहर की तरफ भी हमें बहुत कुछ आपको बताना है। जो कलर कॉम्बिनेशन हमने स्टार्टिंग में जो नहीं बताया था यानी कि कलर नहीं हुआ था उसको हमने कम्प्लीट ही कलर कर लिया है। बस कलर करने के बाद वही नंबर मैंने अभी इस्तेमाल किया है, अगर वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पे आके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए उस रूम पे चलते हैं, और आखिरी कलर जो लाइट पिंक के साथ लाइट ब्लू के साथ हमने डार्क ब्लू मैच किया था, तो ये रहा लाइट कलर है तीन दीवारों पर यानी यू शेप। इसके साथ हम फ्रंट वॉल पे जो कि हमने फ्रंट वॉल पे डार्क कलर ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे वही कलर कॉम्बिनेशन करना है जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। कुछ इस तरह से आपका घर सुंदर दिखने वाला है अगर वो नंबर से पेंट खरीद के लाते हैं। किचन के लिए फुल डार्क कलर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ धुएँ का प्रॉब्लम होता है यानी कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा होते रहता है बार बार, तो देखिए ये किचन ही है। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर में फाइनल में यहाँ पे हमने वॉल पे जो है लाइट कलर अप्लाई किया है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि दीवारों के लिए लाइट कलर ले लीजिए, इसके साथ जो भी बॉर्डर आता है उसके लिए डार्क कलर ले लीजिए, और कोई एक अलग सा एक कलर ले लीजिए, ये तीनों मिला के आपको अच्छा कलर नज़र आएगा। यही फाइनल में हमने बिल्डिंग बनाया है। इसी के साथ साथ में मैंने अंदर का दिखाया है, बाहर का दिखाया है, सिर्फ यहाँ रेड स्पेशली खुद ये ओनर की वजह से लगाया था, वैसे सिर्फ यहाँ पे हमें तीन ही कलर अप्लाई किए थे। तो चलिए इसी तरह के वीडियो आपको फिर मिलते रहेंगे, टोकन्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट में क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हैं।